प्रधानमंत्री ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आज हुआ मतदान। राजनांदगांव और कांकेर में बारिश के बीच मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। भाजपा विधायक दल की बैठक में लिया गया निर्णय। और दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मानसी साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रांची, पटना, धारवाड़, केएसआर, बेंगलुरु और गोवा मडगांव मुंबई को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नरेंद्र मोदी जी ने और अब बहुप्रतीक्षित मध्य प्रदेश वासियों का इंतजार खत्म हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो भोपाल इंदौर, इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर, जबलपुर भोपाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की कृपा करें। मंचासीन अतिथियों से भी आग्रह कि वो इस शुभ कार्य में शामिल हो। वर्तमान में भोपाल से जबलपुर के बीच 340 किलोमीटर की दूरी है, 5.5 घंटे लगते हैं, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन के द्वारा लगभग 4.5 घंटे में ये सफ़र पूरा होगा। 1 घंटे की समय की बचत। और भोपाल और इंदौर की बात करें तो 269 किलोमीटर की दूरी का सफ़र करने में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब वंदे भारत के जरिए 3 घंटे में भोपाल से इंदौर सब जा सकेंगे। बेहतरीन कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में वंदे भारत की। और इसी तरह से आज जिस तरह से ये 5 वंदे भारत भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, रांची पटना, धारवाड़ बेंगलुरु और गोवा मुंबई राष्ट्र को समर्पित की हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद श्री मोदी ने मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को हरी झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट में कहा कि ये ट्रेन शुरू होने से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पर सबसे पहले विद्यार्थियों से मिलने पहुंचे। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अपने हाथ से बनी पेंटिंग और स्केच भेंट किए। प्रधानमंत्री ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति से समाज में भेदभाव होता है, यही कारण है कि भाजपा संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। ये देश के विकास को रोक देता है, देश में तबाही लाता है, देश में भेदभाव पैदा करता है, समाज में दीवार खड़ी करता है। एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता
दल से पहले देश की है और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट बैंक के फेर में मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। तीन तलाक जैसे मुद्दे का समर्थन इसी राजनीति का उदाहरण है। तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना वो सिर्फ बेटियों को होता है, ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है, उस भाई का क्या होगा, वो भाई पिता सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता पिता भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। कार्यक्रम के दौरान सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3000 कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिनसे प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर एमआर नवंबर बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 26 जून से शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार भारतीय नौसेना के आधिकारिक वेबसाइट jointindiannavy.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 35 पदों को भरा जाएगा। केवल अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ही भारतीय नौसेना में अग्निवीर के रूप में नामांकन के लिए पात्र हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 12वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 2 जुलाई है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में पंच और सरपंच के 78 पदों के लिए मतदान किया जा रहा है, जिनमें से 7 सरपंच और 71 पंच के पद हैं। सरपंच के लिए कुल 25 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 71 पंच के लिए 130 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 से शुरू की गई थी, जो कि दोपहर 3 बजे तक चली। राजनांदगांव ब्लॉक के पनेका में हो रहे मतदान केंद्र में मतदाता बरसते पानी में मतदान करने पहुंचे। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही मतदाताओं ने बताया कि वे ऐसे प्रत्याशी का चुनाव कर रही हैं जो गांव का विकास कर सके, सुविधाओं की पूर्ति कर सके, ऐसा कैंडिडेट मतलब चुनाव करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ हमारे गांव का विकास होगा, इसलिए हम लोग वोट डालने आए हैं सरपंच और पंच का, जो जिससे गाँव का कुछ भला होगा और अच्छा ही होगा।
वहीं कांकेर में भी पोंडगांव जनपद सदस्य क्रमांक 2 के लिए उपचुनाव में मतदान किया गया। यहां भी सुबह से तेज बारिश हो रही है, जो लोग छाता लेकर वोट करने आए। मतदान के लिए 4 पंचायतों में 8 पोलिंग बनाए गए। निर्वाचन अधिकारी आर के बंजारे ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच कराई जा रही है। मतगणना के बाद कल नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतदान दलों के साथ एक एक सुरक्षा कर्मी दिया गया है और फिर क्षेत्र में पुलिस विभाग के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतगणना मतदान केंद्र में ही पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद फिर पूरा निर्वाचन सामग्री वितरण केंद्र जनपद पंचायत में निर्धारित किया गया, वहाँ लाकर जमा करेंगे और मतगणना के पश्चात सारणीकरण का कार्य कल 28 तारीख को 3 बजे से प्रारंभ होगा। इसके बाद ही रिजल्ट का घोषणा किया। गौरतलब है कि फरवरी में अंतागढ़ जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2 से मितेश उसेंडी के इस्तीफा देने के कारण यह सीट रिक्त हो गई थी। प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा सत्ता पक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पत्रकारों को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से जनता हताश और निराश हो चुकी है। रूपेश सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ में बह रही है। हम जो जनता की आवाज है, जनता जो चाहती है, उसको हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रखना चाहते। श्री चंदेल ने कहा कि भाजपा अविश्वास प्रस्ताव में समर्थन के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जोगी और बसपा के विधायकों से भी बातचीत किया है विश्वास प्रस्ताव के बारे में। लेकिन क्योंकि वह भी विपक्ष की भूमिका में है, हमारे जोगी कांग्रेस के 2 विधायक हैं और बसपा के साथी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी हम सहयोग मांगेंगे। गौरतलब है कि भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष के निवास में हुई। बैठक के प्रारंभ में वैशाली नगर स्वर्गीय विधायक विद्यारतन भसीन को भाजपा विधायक दल ने श्रद्धांजलि दी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कोयला घोटाला, शराब घोटाला, PSC घोटाला और राशन घोटाला को जनता के सामने लाएंगे। और मानसून ने अपनी आमद के साथ ही झमाझम बारिश से प्रदेश को तरबतर कर दिया। बीते 2 दिनों में ही देरी से आए मानसून ने बारिश की कमी से कुछ हद तक भरपाई कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में सक्रिय है। प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र, चक्रवात और द्रोणिका के सम्मिलित प्रभाव से प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महासमुंद जिले में ही 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 72 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं जिले के कई मार्ग अवरुद्ध होने की भी सूचना है, जिससे बरोंडा लाफिन खुर्द मार्ग, पिटियाझर पतेरा पाली मार्ग बंद हो गया है। अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा ने मीडिया को बताया कि सभी ब्लॉकों में बारिश से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। पूर्व वर्षों की तुलना में 125% बारिश हो चुकी है और अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। उसके लिए जो नगर सेना के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कंट्रोल रूम, बाढ़ राहत के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और सभी राजस्व अधिकारियों को कल VC के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि कहीं भी कोई जनहानि या आवागमन रास्ता बाधित होता है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों से को निर्देशित करके तत्काल जो राहत कार्य है वो प्रारंभ करें। वहीं मानसून की सक्रियता से प्रदेश में खेती के कार्य में गति आई है। बोनी का काम शुरू हो गया है। बतर की स्थिति बनते ही बारिश के बीच किसानों ने धान की बोनी का काम शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बीते 24 घंटों में हुए बारिश ने रायपुर, बलौदा बाजार और मुंगेली में 26 जून तक की औसत बारिश के आंकड़े को पार कर लिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन के बाद वर्तमान सिस्टम के कमजोर होने की संभावना है, तब तक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।